हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सिम। यहाँ पर सऊदी अरेबियन लीग का मैच हो रहा है, अल हाजिम वर्सेस अल अली सऊदी के बीच 8:30 बजे। देन बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है, सो बढ़ते हैं आगे। तो भाई यार, आप इतना ज़्यादा जल्दबाजी मत करो, रिप्लाई मैं दे दूंगा अभी, ड्यू टू सम वर्क मैं नहीं मैसेज के आपको रिप्लाई दे पाया। बाकी बात रही प्राइम मेंबरशिप के, जिन्होंने स्क्रीनशॉट भेज दिया वो जल्दी ज्वाइन हो जाएंगे, टेंशन मत लो, 8 बजे से पहले ज्वाइन हो जाओगे, कोई घबराने वाली ऐसी बात नहीं है। मेरे साथ भाई कई लोग 2-2, 3-3 साल से जुड़े हैं, उनको भी पता है कि वी आर नॉट स्कैमर्स। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें इस मैच की। अल आली टीम तो इन्हें पेल जाएगी, खाई जाएगी कच्चा यार। अल आली टीम ने इनको 4-5 गोल ना किए ना, मतलब फिर तो बात ही नहीं है। 4-5 गोल तो मैं कह रहा हूँ होने ही चाहिए और होंगे, क्योंकि अल हाजिम से गंदी टीम मैंने आज तक नहीं देखी। ये ऐसी एक ऐसी टीम है जिनके स्ट्राइकर पे भी मैं लानत देता हूँ भाई साहब, रंग का एक आधा स्ट्राइकर तो होना चाहिए इस टीम में, वो भी नहीं है। तो सीधा सीधा अल आली टीम को फेवर करो और जीतो, मैं तो यही कहूँगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो बात करें अगर हम स्ट्राइकिंग सेक्शन से, तो स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर सबसे पहले मैं लूँगा आर मेहराज को। भाई इस बंदे का क्या कहना, आर मेहराज बहुत पहले मैनचेस्टर सिटी में हुआ करता था, अब इसको टीम छोड़े तो बहुत समय हो ही गया है, साथ ही साथ इसको एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, क्योंकि इस लीग के अंदर रियाद मेहराज जैसा पेनल्टी टेकर बहुत, मतलब बहुत है, बहुत बढ़िया खेलता है। और एफ एल ब्रिकन की बात करें, सेकेंड लास्ट मैच में तो अलग लेवल था, लेकिन लास्ट मैच के अंदर भी 102 पॉइंट्स अचीव कर लिए 14 दिसंबर को और कर दिए 2 गोल, जिसमें कप्तान था हमारा ब्रिकन, वाइस कप्तान था आर मेहराज। मज़ा आ गया था उस मैच के अंदर। उसके बाद ऑपोजिशन टीम की बात करें, वो तो भाई बिल्कुल बेकार टीम है, मतलब इनका एक ये प्लेयर है, इनका एक स्ट्राइकर भी अच्छा नहीं है ना, इसको आप देख लो ये भाई साहब। पहले तो मैं कैसे इसको जज करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं इसको अच्छा बोलूँ बुरा बोलूँ, क्योंकि ये बंदा एक तो ज़्यादा मैचेस खेल नहीं रहा, या तो मैचेस ज़्यादा खेले तो मैं कुछ बोलूँ भी, मैचेस खेलेगा तभी तो कुछ जज होगा, ठीक है। उसके बाद बात करें मिडफील्डिंग की, तो यहाँ पर है टोज, तो यहाँ पर मैं टोज को लूँगा। टोज के बाद यहाँ पर वी गोज एक यहाँ पर ग्रेट प्लेयर है। वी गोज ने पॉइंट पिछले मैच में अच्छे दे दिए, हालांकि मुझे तो इतना खास लग नहीं रहा था, लेकिन हाँ मैंने लिया था पिछले मैच में और पॉइंट अच्छे दे गया, विदाउट एनी गोल विदाउट एनी असिस्ट, तो ये मेरे को चीज़ अच्छी लगी। अगला है ये सेंट मैक्सिमिन के बाद फ्रैंक एससी, इतना खास है नहीं तो मैं आपको कहूँगा कि आप जी विगा के साथ जाओ, आप इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत हो। कई लोग क्या कर रहे हैं, वो कैसी को भी ले लेते हैं, इनको भी और इसको भी, भाई इतने प्लेयर करोगे क्या, क्या आपने आगे से सिर्फ 2 डिफेंडर लेने हैं, भाई 2 डिफेंडिंग से टीम नहीं चलेगी आपकी, तो आपको किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा, तो अब आप डिसाइड कर लो। मैं तो फ्रैंक एससी को ड्रॉप कर रहा हूँ। और आगे से अगर बात करें यहाँ पर डिफेंडिंग सेक्शन की, डिफेंडिंग सेक्शन के अंदर आर इबनेस भाई साहब बहुत खतरनाक खिलाड़ी है, ये तो खेल रहा है तो समझो कुछ है। और एएल हिंदी की बात करें, एएल हिंदी पिछले मैच में तो खेला नहीं था, ये भी खेलेगा तो मैं जरूर लूँगा, अभी मैं सेव कर रहा हूँ। उसके बाद ए मजरशी ने पिछले मैच के अंदर किया ज़ोरदार गोल। उसके बाद एएल अमर की अगर बात करूँ, तो अमर अभी टाइम से खेल नहीं रहा 2 मैचेस से, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। उसके बाद आगे बात करूँ गोलकीपिंग की, देन आई जैद यहाँ पर पिछले मैच में तो नहीं खेला था, तो मुझे लगता है कि ये डैमन को ही खिलाएंगे, डैमन के अलावा इनके पास ऑप्शन है भी नहीं। और बात करें यहाँ पर कप्तान की, कप्तान है हमारी टीम का ब्रिकन, वाइस कप्तान है रियाद मेहराज, तो ये हमारी टीम है। वाइस कैप्टन ऑप्शन आपको मैक्सिमिन मिल जाएगा, मैक्सिमिन से ज़्यादा बेटर आपको विगा हो जाएगा, अगर आपने उसको रखना तो मैं विगा को ज़्यादा कहूँगा, लेकिन अगर सेफ कॉम्बिनेशन की बात करें तो कैप्टन वाइस कैप्टन जो मैंने रखे हैं ब्रिकन और रियाद मेहराज, इनसे सेफ कोई भी नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।